हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो इसमें हमने लास्ट चैप्टर में बात किया था विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर व श्रेणियाँ। अब इसमें बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। चलिए तो एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका की अवस्थिति पर, कहाँ स्थित है, कैसा है। तो ये है हमारा प्यारा पृथ्वी पूरा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने प्यारे इंडिया की। तो आपका प्यारा इंडिया, यह है प्यारा भारत। कहाँ है भारत, देखिएगा, रुक जाइए, पूरी तरह से देखिएगा, यह है पूरा भारत। भारत के नीचे आपका श्रीलंका लगा हुआ है, ये श्रीलंका है। लक्षद्वीप है, अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। इसमें आपका ये बांग्लादेश लगा हुआ है, यहाँ म्यांमार है ऊपर से, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान लगा हुआ है पीओके वाले हिस्से से, और पाकिस्तान। ठीक है, ये ऊपर चीन है। ठीक, बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका में ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप, ये ऊपर यूरोप है, ये नीचे दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, पूरा चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया। ठीक है, आपका ये है ऊपर उत्तरी अमेरिका, ये यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको शहर है, सिटी कनाडा, ये पूरा। ठीक है, कहाँ है, ये है आपका पूरा उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा, कहाँ है, ये है उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका है। ये यहाँ न्यूयॉर्क है, हॉस्टन है, डलास है, यही देखना है हमें। ये आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी है यहाँ, ठीक, मैक्सिको के बगल में। ये हडसन की खाड़ी है ऊपर, यहाँ अलास्का की खाड़ी है, ये उत्तरी क्षेत्र है इसका। ठीक, ये पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मार्ग, हडसन की खाड़ी, ये ठीक, ओटावा, मोन्टियन, मोन्टियल, ऑन्ट्रियो, मैनो, मैनिटोबा, ये सभी देश हैं। चलिए इनकी नदियों की स्थिति देखते हैं मैप मैप। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका पूरा, ठीक है, मैप्स में। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये है आपकी यूकॉन नदी। ये है आपकी यूकॉन नदी, यहाँ यूकॉन नदी ये जा रही है। ठीक है, तो याद रखना है इसके बारे में आपको, अलास्का की एक नदी जो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के रॉकी हिमानी से निकलकर बेरिंग सागर में नॉर्टन साउंड की खाड़ी में गिरती है, यह उत्तरी अमेरिका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। ठीक, फिर आपकी मैकेंजी नदी, ये आपकी मैकेंजी नदी है, यह है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी के बारे में याद रखना कि कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में स्थित ग्रेट स्लेव झील से निकलकर ब्यूफोर्ड सागर में गिरने वाली एक नदी जो मैकेंजी पर्वत के समानांतर प्रवाहित होती है, यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वर्ष 1789 में अलेक्जेंडर मैकेंजी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये हडसन की खाड़ी देख ही चुके हैं, ये हडसन की खाड़ी है। फिर आते हैं नीचे हम फ्रेजर नदी, ये आपकी फ्रेजर नदी है, ये है फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी के बारे में आपको याद रखना है कि यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। वैंकूवर इस नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक, यहाँ से निकलती है, ऐसी जाती है। फिर आपकी कोलंबिया नदी, ये यहाँ से निकल रही है, कोलंबिया नदी। ये कोलंबिया नदी के बारे में आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से निकलकर
पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। प्रसिद्ध नगर पोर्टलैंड इस नदी के तट पर स्थित है। गहरी गाज बनाते हुए यह नदी कास्केड पर्वतमाला को पार करती है। स्नेक नदी इसकी सहायक नदी है। जो स्नेक नदी है इसकी, ये आ रही स्नेक नदी यहाँ से, ठीक है, बहती हुई, इसकी सहायक नदी है। स्नेक नदी इसकी सहायक नदी है। आर्थिक महत्व वाली इस नदी पर ग्रैंड कूली व बोन बोन विले बांध निर्मित है। आपका थ्रे कोलंबिया के बाद सस्केचवान नदी कौन सा? ये आपकी सस्केचवान नदी। इसके बारे में आपको याद रखना है, कनाडा की एक नदी जो रोकी पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलकर अल्बर्टा तथा सस्केचवान प्रांतों में बहती हुई मिनीटोबा प्रांत के सैडार झील में गिरती है, जो विनिपेग झील से संबद्ध है, ठीक है। यहाँ फिर आपकी नेल्सन झील, नेल्सन नदी, ये है आपकी नेल्सन नदी। नेल्सन नदी के बारे में आपको याद रखना है कि यह कनाडा के बेनी पेग झील से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई हड़सन की खाड़ी में गिर जाती है, यहाँ, ठीक है, यहाँ से निकलती है तो यहाँ मिल जाती है। फिर है आपकी लोग गेंडे नदी, ये लोग गेंडे नदी है, ठीक है। फिर है आपकी मिसोरी नदी, कहाँ है मिसोरी नदी, ये आपकी मिसोरी नदी यहाँ से निकलती है। ये मिसोरी नदी के बारे में आपको याद रखना है, यह मोंटाना राज्य के दक्षिणी रॉकी पर्वत से निकलकर सेंट लुई के पास मिसिसिपी नदी में मिलती है। यह नदी मिसिसिपी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। कंसास शहर इसके तट पर तथा सेंट लुई शहर इसके संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ से निकलती है और मिसोरी नदी में, इन मिसोरी नदी मिलकर मिसिसिपी नदी में मिल जाती है यहाँ, ठीक है। फिर एलुस्टोन नदी, एलुस्टोन नदी है ये आपकी, ये भी यहाँ से निकलती है और मिसिसिपी में मिसोरी नदी में मिलकर मिसिसिपी की सहायक नदी बन जाती है। फिर आपकी एलुस्टोन, ये एलुस्टोन थी, फिर मिसोरी नदी देख ही चुके हैं। अब है आपकी मिसिसिपी नदी, यहाँ से निकल रही है। मिसिसिपी नदी के बारे में आपको याद रखना है, यह कनाडा की सीमा से निकलकर यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मेक्सिको की खाड़ी में अपना जल, मेक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ है? यह है मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है, ये आ रही है यहां से। मिसिसिपी नदी एक मेक्सिको की खाड़ी में गिरा देती है जल। सेंट लुई मैप्स तथा न्यू ऑरलियंस इसके तट पर स्थित मुख्य नगर है। मिसोरी रेड आर सास टेनेसी आदि नदियों पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी अपने पक्षीपाद डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी सहायक नदी रेड नदी भी इसकी सहायक नदी है और अंक सास नदी भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है, मिसिसिपी की। फिर आपकी ये यहाँ आपकी ऊपर एक नदी और है, यह है ओटावा नदी। ओटावा नदी ये आपकी सेंट लॉरेंस नदी की सहायक नदी, ये भी हडसन मेक्सिको की खाड़ी के में गई। हडसन नदी भी है। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में आपको याद रखना है, यह सुपीरियर झील के पश्चिमी भाग में सेंट लुई के पास के नाम से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्या जलप्रपात अवस्थित है। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक यह कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका के सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। कनाडा का ओटावा शहर इसके तट पर बसा हुआ है, ठीक है। फिर है आपकी हडसन नदी, ये हडसन नदी है आपकी। तो इसके बारे में याद रखिए हडसन नदी के बारे में कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नदी जो चैंपियन झील से निकलकर दक्षिण बहती हुई न्यूयॉर्क के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन मुहाग घाटी में औद्योगिक संकेंद्रण है। इसी तट के तट पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है आपका, ठीक है। फिर है आपकी अंकशास देखी ली थी,
ये है कोलोरेडो, कौन सी? कोलोरेडो नदी। इसके बारे में याद रखना है आपको, रॉकी पर्वत से निकलकर कोलोरेडो निवादा तथा एरिजोना राज्यों से बहती हुई यह नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। विश्व की सबसे बड़ी गाज इसी नदी से ने बनाई है। एरिजोना तथा निवादा की सीमा पर इस नदी पर ह्यूवर डैम बनाया गया है, जो विश्व के सबसे अधिक ऊंचे बांधों में से एक है। कोलोरेडो नदी की इंपीरियल घाटी कपास उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। फिर आपकी रियो गेंडे नदी, ये निकलती है रियो गेंडो नदी। रियो गेंडो नदी के बारे में याद रखना है, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी पश्चिमी कोलोरेडो तथा न्यू मैक्सिको प्रांत की सीमा के सहारे बहने वाली एक नदी, जो कोलोरेडो प्रांत की माउंट एलवर्ट से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। बिग बैंड नेशनल पार्क कैनियन से होकर बहती है, ठीक है, यहाँ गिर रही है मैक्सिको की खाड़ी में। फिर है आपकी रेड नदी, देखी ली हम लोगों ने, एक नदी है आपकी, कौन सी? चापला नदी। चापला नदी ये है आपकी, चापला नदी। तो चापला नदी के बारे में याद रखना है, पूर्वी सेरा माते सैडी से निकलकर मैक्सिको के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होते हुए होने वाली प्रमुख नदी है, जो प्रशांत महासागर में गिरती है। यहां से निकल रही तो यहां जाकर मिल रही प्रशांत महासागर में, ठीक। अब आगे बात करते हैं, तो इनकी ये थी अवस्थिति, यहाँ उत्तरी प्रशांत महासागर है, यहाँ उत्तरी अटलांटिक। अब इनके कुछ पॉइंट इनमें दिए गए जो आपको याद रखना है, उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। ये है मैकेंजी नदी, कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में स्थित ग्रेट स्लेव झील से निकलकर बीफोर्ड सागर में गिरने वाली एक नदी, जो मैकेंजी पर्वत के समांतर प्रवाहित होती है। यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वर्ष 1789 में अलेक्जेंडर मैकेंजी ने इसका नाम दिया था, कि इसकी खोज की थी, ठीक है, इसलिए मैकेंजी नदी नाम पड़ा था। मोहाक नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हडसन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, जो न्यूयॉर्क फ्रांस से की ओनिडा झील से निकलकर हडसन नदी में मिल जाती है। फिर आपकी याजू नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी प्रांत में बहने वाली मिसिसिपी की एक सहायक नौगम नदी है। याजू नदी मिसिसिपी के समांतर प्रवाहित होती है। फिर है आपका यूकॉन नदी, अलास्का की एक नदी, जो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के रॉकी हिमानी से निकलकर वेरिंग सागर में नार्टन साउंड की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका का तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। फिर आपका रियो गेंडे नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी कोलोरेडो तथा न्यू मेक्सिको प्रांतों की सीमा के सहारे बहने वाली एक नदी, जो कोलोरेडो प्रांत के माउंट एलवर्ट से निकलकर मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह बिग बैंड नेशनल पार्क के कैनियन से होकर बहती है। फिर है आपका रेड नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नदी, जो न्यू मैक्सिको प्रांत में रॉकी पर्वत के पूर्वी पर्वत पाल से निकलकर लुसियाना राज्य में मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। अगला है अपना सातवां, विनीपेग नदी, कनाडा के ओंटोरियो प्रांत से बहकर विनीपेग झील में गिरने वाली एक नदी है। सस्केचवान नदी, कनाडा की एक नदी, जो रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल से निकलकर अल्बर्टा तथा सस्केचवान प्रांतों में बहती हुई मैनी टोबा प्रांत के सिडार झील में गिरती है, जो वेनिपेग झील से संबद्ध है। अगला है हडसन नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नदी, जो चैंपियन झील से निकलकर दक्षिण बहती हुई न्यूयॉर्क के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन मोहाक घाटी में औद्योगिक केंद्रण है, इसी के तट पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है आपका। फिर आपकी कोलंबिया नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। प्रसिद्ध नगर पोर्टलैंड इस नदी के तट पर अवस्थित है। गहरी गार्ज बनाते हुए यह नदी कास्केड पर्वतमाला को पार करती है। इस टेक नदी इसी
की प्रमुख सहायक नदी है। आर्थिक महत्व वाली इस नदी पर ग्रैंड कुली व वॉन विले बांध निर्मित है। तरह आपकी कोलोरेडो नदी रॉकी पर्वत से निकलकर कोलोरेडो निवादा एरिजोना राज्यों से बहती हुई यह नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। विश्व की सबसे बड़ी गार्ज ग्रैंड कैनियन इसी नदी ने बनाई है। एरिजोना तथा निवादा की सीमा पर इस नदी पर ह्यूगर डैम बनाया गया है जो विश्व के सबसे अधिक ऊंचे बांधों में से एक है। कोलोरेडो नदी की इंपीरियल घाटी कपास उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर आपकी मिसिसिपी नदी कनाडा की सीमा से निकलकर यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मेक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सेंट लुई मेम्फिस न्यू ओरलियंस इसके तट पर स्थित मुख्य नगर हैं। मिसौरी रेड आरकसास टेनेसी आदि नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी अपनी पक्षीपात डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपकी रियो ग्रांडे नदी उत्तरी अमेरिका के माउंट एल्बर्ट से निकलकर यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है। बाढ़ आने पर यह नदी प्रया अपना रास्ता बदलती रहती है जिस कारण दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बना रहता है। यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। फिर आपकी सेंट लॉरेंस नदी यह नदी सुपीरियर झील के पश्चिमी भाग में सेंट लुई के नाम से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है। आपका ओंटेरियो झील से सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक यह कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। कनाडा का ओटावा शहर इसके तट पर बसा हुआ है। फिर है आपकी टेनेसी नदी अपलेसियन पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई मिसिसिपी की एक सहायक नदी है। इस नदी पर बाढ़ पर नियंत्रण पाने और पनबिजली विकसित करने के लिए छोटे बड़े 9 बांध बनाए गए। इन बांधों को टेनेसी वैली अथॉरिटी के अंतर्गत बनाया गया है। मिसौरी नदी यह मोंटाना राज्य के दक्षिण रॉकी पर्वत से निकलकर सेंट लुई के पास मिसिसिपी नदी में मिलती है। यह नदी मिसिसिपी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। कंसास शहर इसके तट पर तथा सेंट लुई शहर इसके संगम पर बसा हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग नेल्सन नदी यह नदी कनाडा के विनिपेग झील से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई हडसन की खाड़ी में अपना जल गिराती है। फिर फ्रीजिया नदी यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। वैंकूवर इस झील के मुहाने पर अवस्थित है। पोटोमैक नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यह नदी अपलेसियन पर्वत से निकलकर पूर्व दिशा में बहती हुई चेसापीक की खाड़ी में गिरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी इस नदी के तट पर बसा हुआ है। आपका चापला नदी पूर्वी सेरा माद्रे सैनी से निकलकर यह मैक्सिको की पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरती है। फिर आपकी स्नेक नदी रॉकी पर्वत से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई कोलंबिया नदी में मिल जाती है। यह कोलंबिया नदी की प्रमुख सहायक नदी है। स्नेक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं साल्वेमोन नदी। ठीक, तो ये थी हमारी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक।